जो मैंने प्लान किया आप लोगों को धीरे 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 अभी मेरे लाइफ में इन्वॉल्व करने का, रमजान के बाद ये पहले रोज है, अरे विकास भी शामिल हो गए। ओके, हेलो जी, हेलो एस, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम बैक अपने भाई की नगरी में, यानी कि आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे। तो ऐसा मत समझना बिल्कुल भी कि हम आप लोगों को भूल चुके थे, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग मिल भी रहे थे बिहाइंड द कैमरा। बिहाइंड द कैमरा जो रियल लाइफ है वो बहुत ही डिफरेंट रही है, और इस बार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डीप हो चुका था मेरा। तो ऐसा है कि बहुत कुछ सीखा एंड बहुत कुछ मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा अब। और सोशल मीडिया तो है ही ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप सही भी सीखते हो और गलत भी सीख सकते हो। तो हमारा काम तो है कि आप लोगों को अच्छी चीज़ बताना और अच्छी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देना। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस व्लॉग को प्लीज़, अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को जो रेड आइकॉन में दिख रहा है सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि अगर व्लॉग देख भी रहे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप हमारे फैमिली में ज्वाइन हो सको। एंड लाइक करना वीडियो को, एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है इस बार का। आई जस्ट गॉट अप फ्रॉम माई स्लीप, क्योंकि क्या ही बताओ यार, अब रमज़ान का पहला दिन है एंड कल चांद रात थी, लेकिन चांद दिखा नहीं यहाँ से, लेकिन बाकी कुछ स्टेट्स में चांद दिखने की न्यूज़ थी। एंड सऊदी अरेबिया जो कि हमारे से एक दिन पहले रोज़ा रखते हैं, तो वहाँ पे चांद दिखा था। जस्ट अ सेकंड, बैकग्राउंड वॉइस। सो द फर्स्ट डे ऑफ द रोज़ा एंड अभी कुछ हो रहे हैं 1:16 इन द आफ्टरनून, और क्या ही बताओ यार, अब टेम्परेचर के बारे में, यू नो 38 डिग्री सेल्सियस इन पुणे, अभी करंट में 38, ऑलमोस्ट 40 पकड़ने वाला है टेम्परेचर, जो कि बता रहा है। एंड अभी फ्रेम चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो बात ऐसी है कि अभी नमाज का टाइम हो रहा है आफ्टरनून का, जहर की नमाज। तो नमाज होने के बाद में मेरे कुछ फ़ोन कॉल्स के प्लान हैं जो कि मेरे कस्टमर्स को मुझे करना है, एंड जो मैंने प्लान किया आप लोगों को धीरे 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 अभी मेरे लाइफ में इन्वॉल्व करने का, यानी कि आप लोग यहाँ से देखते जाएंगे आगे कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है और मैं ये सब क्यों बताना चाह रहा हूँ। तो लास्ट वाला व्लॉग अपलोड करके मुझे हुआ है लगभग 20 डेज, तो 20 दिन तक ना ही मैंने कैमरे को टच किया, ना ही मैं आप लोगों से बात कर पाया, ना ही इंस्टाग्राम पर मैंने एक भी फ़ोटो अपलोड किया है, या तो फिर और कहीं भी सोशल मीडिया से मैं कम्प्लीटली दूर था, बिकॉज आई वॉज टोटली अंडरग्राउंड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई सेविंग्स। तो ये सारी चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा फोकस था, तो अभी जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार आया है। ये होता है एक छोटी सी गलती की वजह से, जो कि आप लोग समझ सकते हो, अगर कोई बड़े लाइक 25-30 ईयर्स की पब्लिक देख रही है मेरे ब्लॉग को, तो मैं हर इंसान से गलती होती है, तो मुझसे भी छोटी मोटी गलती हुई, तो थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया और बहुत सारा रायता फैल गया। तो समिट ना हम जानते हैं, लेकिन ये एक्चुअल आफ्टर मैरिज जो होता है ये लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा चेंजेस ला रहा हूँ अपने लाइफ में, अपने खुद के मेथड्स एंड लॉजिक्स को चेंज करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम इन टू अ डिफरेंट प्लान। एंड आज का जो भी है, जैसा भी है, ब्लॉग देखते रहना। ये जो है ना मिस वर्क है, अभी कैसे ना ब्रश वगैरह कर नहीं सकते, तो यहाँ पे रखा हुआ है, ब्रश कर नहीं सकते क्योंकि गले से अंदर जाएगा पानी एंड तो रोज़ा टूटने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसलिए कैसे ना ये मिस वर्क करना होता है, कि जैसे मिसवाक से बहुत सारे फ़ायदे भी है इसके, ठीक है, जैसे कि 10-10 बीमारियां कम होती है, चेहरे पे नूर भी आता है, तो मिसवाक करना एक्चुअली ज़रूरी है। तो फिर कभी मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा पूरे तफसील से, डिटेल्स में। तब तक के लिए कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दे सकूँ, मिसवाक क्यों करना ज़रूरी है रोज़े की हालत में। धूप, ये देखो परछाई में, देखो एकदम मेरे सर के ऊपर धूप है। हाँ, 40 डिग्री ऑलमोस्ट, और ना एक परिंदा घूम रहा है यहाँ पे। लॉक कर दिए, देखो तुम्हारे हिसाब से नीचे टंगा उसको,
तो ऐसा है कि अभी मुझे मिल चुकी है सवारी, क्योंकि मॉम को बाहर लेके जाना है और मैं अपने भाई को ये वाली चाबी दे रहा हूँ, यानी कि सुल्तान, तो उसको लेके जाना है बाहर। और हमारी मैडम अब जा रही है नीचे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। देखा आपने इसके पहले वाले सीन में? तो भाई गर्मी ही गर्मी है, ये डैड की सिटिंग पोजीशन है, इसके लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। हाँ ठीक, तो डैड के सिटिंग पोजीशन की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन 40 डिग्री में कार चलाना, वो भी इंस्टेंट में अभी, तो थोड़ा सा गाड़ी को स्टार्ट करते। आई डोंट नो यार, बहुत टाइम बाद ये फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी ऐसा है कि मॉम को लेके जाना है मुझे कुछ फ्रूट्स मटेरियल्स लेने के लिए। वेजिटेबल्स के मामले में हम थोड़े से कच्चे हैं। इतने धूप में यहाँ पे बैठा है बंदा, और ये है नगर रोड। हाँ यहाँ पे ले रहे मॉम फ्रूट्स अभी फिलहाल में, फिर बाद में। हाँ हाँ थोड़ा आगे ले दो ना गाड़ी। तो कैसा है यहाँ पे, ये लोग बरसात का टाइम हो, रेनी सीजन या फिर ये समर टाइम, तो इस साइड में ज़्यादा करके लोग जो बात की तरफ ऐसा पार्किंग करके, तो इन लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना भी बनता है बॉस, इतना धूप में बैठे इतना फल फ्रूट लेके। ओहो क्या स्मेल आ रहा पूरे फ्रूट्स का। तो अभी ऐसा है कि पूरे फ्रूट्स और वेजिटेबल लेके हो चुका है, एंड अभी टाइम हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, पब्लिक इज वेटिंग, 4:30 हो रहे हैं टाइम, 4:30। तो ऐसा है कि आज एक ही फोन कॉल हो गया मेरा इतने सारे काम के बीच में, तो दोपहर में निकले तो अभी तक काम ही चल रहा था, एंड नाउ वी गो बैक टू अदर प्लेस, जहाँ से हमें और एक चीज़ लेनी है, फिर वो लेके हम लोग जो है घर जाएंगे। तो तब तक के लिए 5:30 आराम से होने वाला है। इसे थोड़ा सा लट डाउन होने लगी, आज का पहला रोज़ा है, इसके पहले कभी रोज़े मतलब पूरे साल भर फिर रखे ही नहीं जाते हम लोगों से, मॉम इन लोग रखते हैं तो उनकी आदत है, लेकिन अभी हमारी आदत टूट गई और डायरेक्टली आज पहला रोज़ा और फिर तुरंत इतना भागम दौड़। वैसे तो मैं टू व्हीलर पर आने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ हमारे बड़े भाई साहब जो कि खुद लेके गए टू व्हीलर दूसरे काम से, और मैं कार लेके आया मॉम को लेके। वेलकम बैक। तो मैं मुझे घर पहुँचा हूँ, और सॉरी जूम इन नहीं होता, थोड़ा नज़दीक जाके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो इट्स ऑलमोस्ट, होट देख सकते हो पूरे सूख गए, भाई नमाज के लिए रेडी होना है, फिर से मिस वॉक करेंगे हम, क्योंकि माउथ कैसे ना स्मेल भी आता है, सुबह में केला दूध चपाती ये सब खाते हैं, तो मिस वॉक तो कंटिन्यू करते रहना चाहिए, लेकिन कैसे रमज़ान में मैं सबसे ज़्यादा मिस वॉक यूज़ करता हूँ। तो अभी डैड ने भी ऐसा है कि डैड ने भी मंगाया था जस्ट, मैंने सामान में डैड के लिए भी मिस वॉक लेके आया एक, तो उसका टाइम हो गया, तो वील हैव टू लीव नमाज, फिर आने के बाद आई हैव टू गो अगेन आउट रोज़ा रख के। भाई साहब एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक, लेकिन इतना एक अच्छा हुआ कि मैं सुबह जल्दी उठा रोज़ा रखने के लिए, तो लगभग 3 बज रहे थे तभी, तो 3 से लेके 4:30 बजे तक खाना पीना वॉकिंग चल रहा था, फिर उसके बाद रोज़ा हो गया, एंड फिर फजर की नमाज, एंड फिर देन आई स्लेप्ट, तो मैं सीधा 12 बजे उठा हूँ दोपहर के। उसके बाद मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया गाइस आप लोगों के लिए खास, वो भी इतने दिनों बाद, विदाउट फैन, वो भी विदाउट फैन, देख रहे हो विदाउट एसी। हे हे व्हाट्स अप, तो क्या बन रहा है? और ये हमारे मैडम यहाँ पे फ्रूट्स काट रहे हैं। तो मैडम कैसा लग रहा है हमारा पहला रमजान हमारे साथ में, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। अरे हंस रही है जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बढ़ते जा रहे, थोड़ा अंदर खलबली हो रही। क्यों भाभी सही है गलत? यहाँ खुशबू जा रहा ज़्यादा आ रही, मैं बाहर जाता। गर्मी तो है ही, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम जो है अभी बचे हैं 50 मिनट्स कुछ, रमजान के बाद ये पहले रोज़ा। अरे विकास भी शामिल हो गए, अब्दुल सेठ। नहीं नहीं मैं घर पहुंच चुका हूँ, एंड इट्स ऑलमोस्ट 10:30,
थोड़ा सा खुद ही कन्फ्यूज हूँ बिकॉज आज बहुत ज़्यादा काम हो गया, आप लोगों ने पूरे ब्लॉग में देखा है एंड आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग थोड़ा पसंद आया होगा एंड कल का वीडियो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। जैसे कि अब किस तरीके से हम बताएं तो कैसा है, कल का ब्लॉग देखने में और भी आप लोगों को मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे एंड मिलते हैं फिर आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी इतना जल्दी ब्लॉग इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 10:30 बज चुके हैं, 11:30 तक का लास्ट टाइम है। खाना खा के थोड़ा बहुत वॉकिंग करना है तो आई विल बी गोइंग फॉर अ वॉक विथ माई वाइफ एंड शायद मॉम भी आएगी बिकॉज उनके भी थोड़े पैर फ्री होंगे क्योंकि पूरे दिन इबादत करनी होती है और फिर रात का काम अलग एंड आफ्टरनून का भी थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में ऐसे ही दिखते रहेगा बहुत कुछ। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अभी कुछ नया लेकर, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू चैनल। अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरे ब्लॉग को देखा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, आप लोगों को 101% पसंद आ रहा ही होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो भी है जैसा भी है मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, बी गुड डू गुड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, टेक केयर।